देखिए, हम तो वुमेन हैं, हम हर रोज़ को सेलिब्रेट करते हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग भी अपनी जो फैमिली की वुमेन हैं या आपके आसपास जो वुमेन हैं उनको हर रोज़ रिस्पेक्ट दीजिए, हर रोज़ सेलिब्रेट कीजिए। सिर्फ साल में एक दिन उठा के उनको कार्ड बना के हैप्पी वुमेन्स डे मत बोलिए, आप उनको हर रोज़ प्यार दीजिए, हर रोज़ इज्जत दीजिए। और जो महिला की हम शक्ति देखते हैं, चाहे वो दुर्गा में हो, चाहे वो हम लक्ष्मी में हो, सरस्वती में हो, आई थिंक वो हर महिला में है और वो गुण और वो क्वालिटीज़ को आप अप्रिशिएट करिए। या है ना, राइट मामा? जो हमारी वुमेन हैं हमारे घर में या बाहर हैं, जिन्हें भी हम मिलते हैं, हम सबको उन्हें रिस्पेक्ट से और केयर की नज़र से देखना चाहिए, प्यार की नज़र से देखना चाहिए। आजकल काफ़ी कुछ, बहुत कुछ गलत हो रहा है सोसाइटी में, तो वो एक इंसानियत मर चुकी है। बट आई विश कि लोग एज एन मैन उस चीज़ को ध्यान रखें कि जो भी लेडीज़ हमारे आसपास हैं उनका ध्यान रखें, केयर करें, रिस्पेक्ट करें। वुमेन के लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जो अपने पूरे लाइफ में अचीव करना चाहती है? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि जब तक वो अपनी खुद की इज्जत नहीं कर पाएगी, और वो इज्जत उसे तब मिलती है, अपने आप में गर्व और इज्जत तब मिलती है जब उसके आसपास के जो परिवार वाले हैं, उसके आसपास के काम वाले हैं, उसको अच्छी नज़र से देखें, उसकी अप्रिसिएशन करें। तो फॉर मी सेल्फ इस्टीम बहुत बड़ी चीज़ है, और रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीबडी एल्स। और बाकी मटीरियली आप काम में चाहे इस पोजीशन में हो या उस पोजीशन में हो, वो 19-21 हो सकता है, चल सकता है, बट आपकी इज्जत और आपकी सेल्फ इस्टीम चली जाए तो सब कुछ चला जाता है मेरे हिसाब से। अकॉर्डिंग टू मी हर वुमेन को लव की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी अप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वुमेन आजकल बहुत हार्ड वर्किंग है। वो घर पे ज़्यादातर वुमेन आजकल नहीं बैठती, और जो घर पर भी बैठती है वो बहुत घर का काम करती है। जो बाहर जाती है काम करती है उन्हें भी अप्रिशिएट कीजिए, जो आपके घर में आपकी मम्मा है उनको भी अप्रिशिएट कीजिए, आपकी बहन को, आपकी छोटी सी एक बच्ची अगर पैदा होती है तो उन्हें भी रिस्पेक्ट कीजिए और इस दुनिया में लाइए, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगी तो ये दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। पहले से अब देखा जाए तो कुछ परिवर्तन हुआ है उनके कामकाज में, या उनमें कुछ परिवर्तन आया है? हाँ, पहले के लोग ज़्यादा काम नहीं किया करते थे, लेकिन अब के सारे लोग बाहर निकल के काम पे जाते हैं, काफ़ी परिवर्तन है, क्या कहना है आपको? आज की जनरेशन में जैसे है लड़कियां हैं कि लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं, आई फील कि बहुत चेंजेस आए हैं और इन चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए मैन, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारी कहीं ना कहीं वो सोच रिजिड है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि लड़कियां इतनी आगे कैसे निकल रही हैं, हमारे साथ कैसे चल रही हैं। बट एज अ मैन मैं चाहता हूं कि हम सब लोग एक्सेप्ट करें और उन्हें प्रोत्साहित करें कि और वो आगे बढ़ें, ताकि हम दोनों पटरी, मतलब रेल की जो पटरियाँ होती हैं, साथ में चलें और अच्छा समाज बने। आपके हिसाब से वुमेन को आगे चल के क्या कुछ नया करना चाहिए, क्या कुछ परिवर्तन लाना चाहिए जो आदमी ना कर सके और करके दिखाएं कुछ? देखिए, औरत को परिवर्तन एक दिन में तो ला नहीं सकती, ऑलरेडी हम सोसाइटी में इतना परिवर्तन देख रहे हैं हर फील्ड में। औरत एक पहले होता था एक कुछ फील्ड्स गिने चुने होते थे, कहते इस प्रोफेशन में एक महिला चली जाए तो ठीक है, टीचर बन जाए तो ठीक है बस, या बैंक में काम कर ले एक जगह बैठ के तो ठीक है। बट आज हम देखते हैं हमारे मीडिया वर्ल्ड में, आप देखिए टॉप स्टूडियो हेड्स और टॉप प्रोडक्शन हेड्स सारी लेडीज़ हैं, डायरेक्टर्स टॉप लेडीज़ हैं। आप मेडिसिन में देखिए, आप बैंकिंग वर्ल्ड में आप क्लार्क्स नहीं देखिए, आप हेड ऑफ द टॉप नेशनल बैंक्स देखिए औरतें हैं, और आई थिंक एविएशन में औरतें हैं। आप कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें हम सोचेंगे एक औरत अच्छे से नहीं जा सकती है। तो आई थिंक औरत का एक फोकस इतना अच्छा है, और वो मल्टीटास्किंग जो स्किल्स हैं उसकी, कि वो अपना घर भी देख पाती है, बच्चे भी देख पाती है, और अपने घर के जो मर्द हैं उनका भी अच्छा ख्याल रख सकती है, अपने इन लॉज को इज्जत दे सकती है, इतना कुछ कर सकती है। सो वी शुड सपोर्ट हर और रिस्पेक्ट हर एंड गिव अ लॉट ऑफ लव, है ना? आप किसके साथ सेलिब्रेट करती हैं? मैं वुमेन्स डे पर से मैं एक दिन को मानती नहीं हूँ, वुमेन्स डे होना चाहिए। मैं तो हर रोज़ एक सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मैं हर रोज़ काम पे जाती हूँ, अपने फैमिली का ख्याल रखती हूँ, अपने दोस्तों के साथ एक रिस्पेक्ट
के साथ रहती हूँ. आई थिंक आई एम अ वुमेन ऑफ एवरी डे, नॉट फॉर वन डे, बट आई थिंक उस दिन को एक आदमी उसको रिकग्नाइज करता है और एक डेडिकेट दिया है. जैसे हम अपना इंडिपेंडेंस डे एक ही दिन मनाते हैं या हम अपना मदर्स डे, हाँ एक अच्छा दिन है आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बट सेलिब्रेट तो अपने सब फ्रेंड्स के साथ करते हैं. इस साल हमारे साथ करेंगे सेलिब्रेट. मैसेज देना चाहेंगे सबको, कहेंगे लेट्स विश देम अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे. थैंक यू. दोस्त है इधर जिनका नाम है वाजिद भाई.